यूपी के मऊ जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एक चौकी इंचार्ज पर नाबालिग के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, दरोगा ने नाबालिग को इतना मारा कि उसका पैर तक तोड़ दिया। वहीं पुलिस अफसरों ने दरोगा के ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। चाचा चाचा में झगड़ा हुआ था, दयादी में दोनों चाचा में झगड़ा हुआ था, तो दरोगा जी आए थे तो हमको छत अपने हम घर पे थे छत पे, तो दरोगा जी बोलाए तो हम नहीं आ रहे थे तो डांटे। उसके बाद कहे चलो घर दिखाओ, तो हम घर दिखाने के लिए गए तो उनके चाचा घर कोई नहीं था, तो फिर उसके बाद हम ही को गाली देकर गाड़ी में बैठा लिए। कौन? बेचू दरोगा। फिर उसके बाद लेकर जा रहे थे, बीच रास्ते में मारने पीटने लगे, हमारी पिटाई बेचू दरोगा ने की। बेचू दरोगा या था जिसे पैर टूट गया आपका? हाँ, सोना थाना मोहम्मदाबाद में कल रात में करीब 11 बजे की आपस में मारपीट है, प्रकरण में अभियोग दर्ज किया गया है। व्यवसायी द्वारा मारपीट करके पैर तोड़े जाने का आरोप झूठे हैं। भूत प्रेत की ही बात को लेकर के झगड़ा हुआ है। आधुनिक समय में जबकि चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और हर तरह की जागरूकता है, ऐसी सोच रखना भी वो है। फिलहाल आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई कराई जा रही है।